माखनी पाजी की 2.5 किलो का हाथ एक बार फिर से देखेंगे। और वो धार्मिक फिल्म एक हमें देखने को मिलेंगी, बड़ी भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पे जो फिल्म आ रही है आदि पुरुष। तरह हटके जरा बच के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिक्स PVR। तो गाइस आज हमारे यहाँ पे PVR में सनी देओल की फिल्म लगी हुई है गदर। गदर यानी कि नई वाली नहीं, वही पुरानी वाली री रिलीज हुई है 20 साल के बाद में। PVR रानीप के अंदर हम देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे अभी चेकिंग होगा, वॉचमैन सर चेकिंग कर, मैं चाहूँगा पहले इनको करो जाओ तुम्हें जाओ। तो देखिए हमारे कैमरा मैन अरविंद भाई को चेक करते हुए, तो अरविंद भाई को चेक कर लिया, अभी मेरे को भी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे बम लेके नहीं आया हूँ, उस बार रख के आया हूँ। स्माइल आ गई इनके चेहरे पर। आपको बम से डर लगता है वैसे? ठीक है, यहाँ पे मेरा चेकिंग हो चुका है। मैं यहाँ पे सिनेमा में कुछ नहीं लेके आया हूँ, आप तो भी मुझे यहाँ पे सिनेमा में बैठ कर चीज़ डालने नहीं चाहिए। और जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, खास उनके लिए गुटखा तंबाकू खाते हैं उनको वो भी नहीं लाना। अभी लोग गुटखा और तंबाकू अलर्ट नहीं है, आउटसाइड का फूड अलर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे अंदर। और सनी पाजी की 2.5 किलो का हाथ एक बार फिर से देखेंगे, और वो हेडपम्प उखाड़ने वाला सीन जो मेरे चेहरे में फिर से देखेंगे गदर और मचेंगे गदर। ठीक है भैया, तो वॉचमैन सर थे इनके साथ में। अभी मैं आ चुका हूँ सिनेमा में, देखिए यहाँ पर पोस्टर वगैरह लगे हुए काफ़ी सारे, स्पाइडरमैन का लगा हुआ, पुलिस को लगा हुआ है यहाँ पे, और गदर का काम लगा, आइए इधर लगा हुआ बैठे का। चकडोल मतलब गुजराती में चकडोल पिक्चर्स। फिर ये आपको पता ही है जो सनातन धर्म अभी बागेश्वर धाम जो चल रहा है, तो हमारे सनातन धर्म की फिल्म जिसका नाम है आदि पुरुष। आदि पुरुष यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित ये फिल्म है। परसों के बाद में धार्मिक फिल्म एक हमें देखने को मिलेंगी बड़ी स्क्रीन पर। उसका एक सभी हमारे जो सनातन धर्मवासी हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, उन सबको बेसब्री से इस फिल्म का खास इंतजार रहेगा। और इस फिल्म के बारे में एक और खास सूचना मिली है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। इस फिल्म के लिए जितने भी थिएटर में फिल्म लगेगी, सबके अंदर एक सीट जो है रिजर्व रहेगी, वो हनुमान दादा के लिए, हनुमान जी के लिए वो सीट जो है रिजर्व रहेगी। और बाकी देखते हैं ऑडियंस कितना मिलता है इस फिल्म को उनके पास में। तो चलिए अभी देखते हैं गदर का पोस्टर कहीं लगाओ, ठीक है, नहीं तो थोड़ा वेटिंग करते हैं। उसके बाद 20 साल बाद फिर से सनी देओल की फिल्म गदर देख के मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन हैं अरविंद भाई पटेल, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 20 साल बाद उनको फिल्म गदर कैसे लगी। और ये फिल्म जो भी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो आजकल के जनरेशन है, जो पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं, कपल्स की स्टोरी है, जरा हट के जरा बच के, फिल्म का टाइटल ही है जरा हट के जरा बच के। तो आप लोग समझदार हैं, जरा हट के जरा बच के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो जरा हट के जरा बच के सारा आने मेरी घर स्टार है। इसमें विक्की कौशल की एक्टिंग काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो जल्दी से। और ये देखिए यहाँ पे ट्रेलर चल रहा है जो मैंने आपको आगे बताया, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पे जो फिल्म आ रही है आदि पुरुष, उसका जो है टीजर यहाँ पे चल रहा है। काफ़ी मज़ा आएगा ये फिल्म देखने में, और एक बार फिर से हिंदुत्व का जो है माहौल देखने को मिला। अभी यहाँ पे कैंटीन है, PVR ट्रांसक्यूब प्लाजा का कैंटीन है, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये कैंटीन है, यहाँ पे आप फूड वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे फूड काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड किया जाता है। साफ सफाई वगैरह आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी हाइजेनिक बना हुआ है ये सारा। और ये है अपना PVR अहमदाबाद के रानी एरिया में आया हुआ, ट्रांसक्यूब प्लाजा के अंदर PVR 6th फ्लोर पे पड़ता है। यहाँ पे पिज्जा है, चाट है, स्ट्रीम फूड है। और मैं आपको इस तरफ का भी नज़र आगे दिखाऊंगा जहाँ पे शायद गदर का पोस्टर भी लगा होगा। और मेरा फेवरेट जो लोकेशन से ये देखिए, ये लोकल स्ट्रीट फूड जो है यहाँ का, उसके बारे में। इस तरफ स्क्रीन 1, 2, 3 है, और ये है वेटिंग, वेटिंग के लिए बना हुआ है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं अगर आपके शो में थोड़ा देरी हो तो वगैरह। और ये यहाँ पे काउंटर लगा हुआ, फ़िलहाल यहाँ पे कोई है नहीं। और ये था वॉशरूम जिसका अभी हमने इस्तेमाल किया, वॉशरूम भी काफ़ी हाइजेनिक बना हुआ, एकदम शानदार, साफ़ सफाई है मतलब। और ये सीन बहुत ही शानदार है यहाँ का, सेंटर का दोनों तरफ जो है पिक्चरों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो चलिए अभी सिनेमा में थोड़ा सा समय है अभी फिल्म गदर देखने के लिए, और उससे पहले हमारे कैमरामैन जो है इस तरफ बैठे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं मूवी का। अरुण भाई जय स्वामीनारायण। ये हमारे स्वामीनारायण भाई है, इनको जब गाइस स्वामीनारायण बोलते हैं तो इनको एक अलग ही खुशी होती है।
हमने कई सारी फिल्में साथ में देखी है, भगवान स्वामीनारायण के जीवन पर जो वो भी देखी फिल्में ना, तो आज हम गदर देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होगा, और उसमें भी सनी पाजी को देखने वाले 20 साल के बाद फिल्म गदर में। स्क्रीन पे चल होगी पिक्चर सनी देओल की गदर पार्ट वन, यानी 20 साल पहले जो गदर आई थी, वो जो हेडपम्प उखाड़ा था, फिर से लगी है, रिलीज हुई है 20 साल के बाद। 20 साल बाद में सनी देओल हेडपम्प उखाड़ते हुए कैसा लगता है, वो एक अंदर से जुनून था। तो देखते हैं अभी गदर पार्ट वन, उसके बाद जस्ट थोड़े दिन बाद गदर टू आएगी, अभी देखेंगे ज़रूर। और गदर टू मैं तो दो बार देखूँगा, आप लोग कितनी बार देखने वाले हो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। कैमरामैन अरविंद पटेल के साथ जे के मदरिया, पीवीआर ट्रांसक्रिप्ट राजा रानी अहमदाबाद से। 20 साल बाद के बाद सनी देओल को देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस बिल्कुल कम है, मात्र 4 से 5 लोग हैं यहाँ पे। 4 से 5 है। अरविंद भाई, आज से 20 साल पहले जब हम थिएटर में गए थे सनी पाजी को देखने के लिए, तब लोगों ने सुबह 6 बजे का भी मतलब टिकट बुक करवाया था, ऐसा माहौल था। और आज 20 साल बाद ऑडियंस में तो आगे की कुर्सियाँ तो सारी खाली है, कैसा फील हो रहा है आपको? आज तो बहुत मजा आएगा, बट हमारा अंदर से जो जुनून है कि सनी देओल जो हेडपम्प उखाड़ेगा, बस वही सीन हमारे को खास देखना है। चलिए कोई नहीं, फिल्म का इंतजार करते हैं, चलो होते देखते हैं, फिर आपसे शेयर करेंगे कैसा रहता है एक्सपीरियंस। फाइनली दोस्तों, आज हमने यहाँ पे गदर फिल्म देखा। 20 साल के बाद सिनेमा के पर्दे पर देखना एक अपने आप में एक अद्भुत और एक बहुत ही शानदार था। और सबसे खास बात कि सनी देओल का हेडपम्प उखाड़ने वाला सीन जो मेरा बहुत फेवरेट है, आपका कौन सा सीन फेवरेट है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अभी इंतजार रहेगा तो दोस्तों गदर पार्ट टू का रहेगा, जल्दी से जल्दी वो अगले महीने आ रही है। मैं तो 2 बार देखने वाला हूँ, आप कितने बार देखने वाले कॉमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों, मिलूंगा अगले एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नए एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।